Hello students, I am Jagat Pal Chahar, PGT Physics teacher at Cambridge International School, Dasuga. Today we have introductory class for 11th physics. देखिए 11th physics में हमारे पास 70 marks का theory portion रहता है और 30 marks के लिए practical रहता है. Theory portion में हमारे पास basically 10 units हैं और 10 यूनिट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं. जैसे फर्स्ट यूनिट का स्टार्टिंग हमारे 11th फिजिक्स का होता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के साथ, जिसका चैप्टर फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड, जहां पे हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज इन आवर नेचर. हम उनको किस तरह से मेजर करते हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं हमारे पास उनको मेजर करने के लिए, वो सब बातें हम फिजिकल वर्ल्ड में डील करेंगे. बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात होगी. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट पे, जहाँ पे हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे. कैसे हम उनको डेराइव कर सकते हैं, कैसे हम उनको चेक कर सकते हैं, कैसे हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. यहीं पे हम एरर और मेजरमेंट की भी बातें करेंगे. उसी तरह से जैसे मैं यूनिट सेकंड में आता हूँ, यूनिट सेकंड डील करता है काइनेमेटिक्स के साथ. आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं मोशन के साथ, आप डील करके आए स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन और कुछ ग्राफ भी आपने पढ़े हैं. उन्हीं की एक्सटेंडेड फॉर्म हमें यहाँ पे पढ़नी होगी काइनेमेटिक्स के अंदर. काइनेमेटिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद ऑब्जेक्ट इन मोशन, लेकिन ये उन फैक्टर्स से डील नहीं करता जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यानी कि यहाँ पे फोर्सेस की बात बिल्कुल भी नहीं होगी. हाँ, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात रहेगी, जिसे हम स्टडी करेंगे किसमें, प्लेन. उसके बाद थर्ड जो हमारे पास है, इसको मैं डायनेमिक्स भी बोल सकता हूँ या लॉज ऑफ मोशन भी बोल सकता हूँ. यहाँ पे मैं न्यूटन के सारे लॉज के साथ डील करूंगा, फोर्सेस के साथ डील करूंगा. उसके बाद मेरे पास आएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी. ये भी 9th क्लास में हमने स्टडी किया है. इसके अंदर जो चैप्टर रहेगा वो भी वर्क, पावर एंड एनर्जी. और फिफ्थ जो हमारा रहेगा वो रोटेशन मोशन के साथ डील करेगा बेसिकली, फिफ्थ यूनिट. सिक्स यूनिट हमारा ग्रेविटेशन होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से हमारे यूनिवर्स का एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है. सेवंथ यूनिट हम डील करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के साथ, जिसमें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी की बात करेंगे, हुक्स लॉ की बात करेंगे. हम यहाँ पे जितने भी जैसे कि हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेन की बात करते हैं, हम जो पुल वगैरह बनते हैं उनमें लोहे की रोड हम क्यों डालते हैं, इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरह से सारी बातें यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर स्टडी करी जाएंगी. मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के अंदर हम पास्कल्स लॉ को स्टडी करेंगे, प्रेशर को स्टडी करेंगे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारी बातें हमारे यहाँ पे रहेंगी फ्लूइड्स के अंदर. और थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल हीट और टेम्परेचर से जुड़ी हुई बातें यहाँ पे हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 के अंदर. यूनिट 8 हमारे पास रहेगा थर्मोडायनेमिक्स. यहाँ पे हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके साथ रिलेटेड कुछ एक प्रोसेसेस के साथ हम डील करेंगे. और यूनिट 9 हमारे पास बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ पे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ डील करेंगे. और यूनिट 10 हमारे पास दो पोर्शन रहेंगे यहाँ पे, एक ऑसिलेशन के लिए और एक वेव के लिए. दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर क्लास 11th फिजिक्स स्टूडेंट. देखिए स्टूडेंट्स, हम जब 11th क्लास में आते हैं, साइंस स्ट्रीम में हमारे पास दो स्ट्रीम होती है, एक नॉन मेडिकल और दूसरा मेडिकल. नॉन मेडिकल और मेडिकल में डिफरेंस इतना है कि नॉन मेडिकल में आपके पास होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और मेडिकल में आप डील करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ. यानी कि फिजिक्स आप चाहे नॉन मेडिकल लेते हैं या फिर मेडिकल लेते हैं, आपके पास दोनों ही स्ट्रीम में फिजिक्स रहते ही रहते हैं. और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप दिल से पढ़ते हैं तो फिजिक्स जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके लिए कोई भी नहीं रहेगा. फिजिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर आप दिल से पढ़ते हैं इसे. हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हमारी वही बात स्टार्ट होती है, 11th फिजिक्स, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, कैसे करें मैडम. अब हमारे पास क्या क्या चीजें, एक बड़ा सा सिलेबस है 9th और 10th के कंपेरिजन में. हमारे पास सिलेबस जो रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा. ऑलमोस्ट हमारे पास सारे के सारे न्यू चैप्टर्स हैं. उन चैप्टर्स में हमारे पास थ्योरी भी है, डेरिवेशंस भी है,
और नेवर एंडिंग न्यूमेरिकल्स भी है हमारे पास। तो अब हम कैसे इस पूरे सिलेबस के साथ फाइट करें, कैसे हम न्यूमेरिकल से डील करें, कैसे हम डेरिवेशंस को पढ़ें, बड़ा चैलेंजिंग बन जाता है जब हम 11th क्लास का इतना वास्ट सिलेबस देखते हैं और देखते ही डर जाते हैं। बट डोंट वरी गाइस, वी आर ऑलवेज विद यू। तो अब उन सभी चीजों का, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, 15 चैप्टर्स वी हैव, तो हम इनका सॉल्यूशन क्या चीज है, सबसे पहला बात क्या है, डोंट पैनिक। क्यों क्यों? क्योंकि सबका यही हाल है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले लर्न ऑल बेसिक फॉर्मूलास एंड कॉन्सेप्ट। जब हम फिजिक्स की स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो मैथमेटिक्स की टूल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वो टूल्स के साथ हम डील भी करेंगे, उनको लर्न भी करेंगे। तो सबसे पहले उनसे बेसिक फॉर्मूलास एंड टूल्स आपको प्रिपेयर करनी है। उसके बाद हम अपना जो इनिशियल डेज है उनमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। 9th और 10th में हम पढ़ते आए स्टूडेंट्स, बड़ा रिलैक्स होके हम पढ़ सकते थे, बट यहाँ पे आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। आपके जो इनिशियल डेज हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपके पढ़ने के तरीके, ये आपकी 11th क्लास को डिसाइड करते हैं। तो आप इनिशियल डेज में बहुत ही ज्यादा मेहनत करें। बहुत बार आपको ऐसा भी लगेगा कि जितनी हम मेहनत करते हैं उतना हमारा रिजल्ट नहीं बना, डोंट वरी। जब तक आप प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाते, आपका एक प्लेटफॉर्म नहीं बन जाता, तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनिशियली 30-40 डेज। उसके बाद आप चैप्टर्स, यहां पे मैंने स्पेशली बात लिखी कि डोंट लर्न द चैप्टर्स, लर्न कॉन्सेप्ट्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट पे कमांड बनती है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन 11th क्लास। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि कैसे मुझे कॉन्सेप्ट के साथ डील करना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि आपको चैप्टर्स के रट्टे नहीं मारने, आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है। रट्टाफिकेशन पे मत जाना स्टूडेंट्स, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगा यहां पर, कॉन्सेप्ट चलेगा। आपको दिल से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है, गहराइयों से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, देन एवरीथिंग इज ओके। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप रट्टाफिकेशन की तरफ मूव करते हैं, तो फिर आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि डोंट लर्न द चैप्टर बट लर्न द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम आपके। डोंट वरी गाइस, वी आर ऑलवेज विद यू, वी आर ऑलवेज विद यू। आपके कॉन्सेप्ट को आपके टिप्स तक लेके आना, वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि डेरिवेशंस को कैसे हम प्रिपेयर करें। यहाँ पे बहुत सारे डेरिवेशंस आपके सामने आएंगे, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। डेरिवेशन का सबसे इजी वे है कि आप लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आप राइट एंड प्रैक्टिस, दैट्स द इजीएस्ट वे टू प्रिपेयर द डेरिवेशंस। नाउ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू ट्राई टू अचीव ए गुड लेवल, एंड दैट लेवल फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल इज नीट एंड जेईई आईआईटी। तो फिर अब हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट इनिशियल टारगेट यू हैव टू टेक फॉर ओनली दीज 4 यूनिट्स यू हैव टू प्रिपेयर। आईआईटी जेईई नीट के लिए सबसे पहला टारगेट मैं कहता हूं, फोकस कीजिए केवल काइनेमेटिक्स पे, लॉज ऑफ मोशन पे, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन मोशन पे। जितना न्यूमेरिकल्स आपको मिलता है आप प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स उठाया सेकंड चैप्टर, ये हमारे पास सेकंड यूनिट होगा काइनेमेटिक्स यूनिट सेकंड। जब तक कीजिए जब तक कि इसका एक न्यूमेरिकल कवर ना हो जाए। आपके टारगेट बहुत ज्यादा बड़े नहीं रखने, हमने काइनेमेटिक्स टारगेट लिया है, हमने जब तक उसका एक एक न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप काइनेमेटिक्स का पीछा ना छोड़िए। जैसे ही काइनेमेटिक्स के हमारे पास आ जाते हैं बल्क में न्यूमेरिकल 500, 600, 700 बहुत सारे बच्चे कवर करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पर डे 20 न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फिर भी आपके पास एक मंथ में 600 का पैक आ जाता है, एंड 600 न्यूमेरिकल फॉर वन चैप्टर मोर देन एनफ।
सिमिलरली लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशन मोशन इसी तरह से आप न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे। देखिए आपके यहाँ पे एक एक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, आप स्टेप टू स्टेप चलते जाएं, हर चीज आपके टिप्स पे आती जाए।